To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम सीरीज़ फॉरकास्टिंग। असल में बहुत सारे जो टाइम सीरीज़ मॉडल्स हमने डिस्कस किए अपने प्रीवियस वीडियोस में, तो बहुत ज़्यादा इसके जो व्यूअर्स हैं उन्होंने डिमांड की कि फॉरकास्टिंग से रिलेटेड अभी तक कुछ नहीं आया, तो आज हम इस फॉरकास्टिंग के टॉपिक को कवर करेंगे। असल में टाइम सीरीज़ मॉडलिंग का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें से एक मेन ऑब्जेक्टिव है फॉरकास्टिंग। अच्छा, फॉरकास्टिंग है क्या? फॉरकास्टिंग है कि करंट और पास्ट वैल्यूज के थ्रू, करंट और पास्ट वैल्यूज के थ्रू फ्यूचर वैल्यूज एस्टिमेशन, करंट और पास्ट वैल्यूज के थ्रू और विद द हेल्प ऑफ करंट पास्ट वैल्यूज फ्यूचर्स वैल्यूज एस्टिमेट करना, फ्यूचर क्वांटिटेटिव वैल्यूज ऑब्वियसली एस्टिमेट करना, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? फॉरकास्टिंग। अच्छा, बहुत सारी तरह की फॉरकास्टिंग होती है, कुछ टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। नंबर वन, एक फॉरकास्टिंग होती है पॉइंट फॉरकास्ट, पॉइंट एंड इंटरवल फॉरकास्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट टाइप होती है एक्स पोस्ट एंड एक्स एंटी फॉरकास्ट, एक्स पोस्ट एंड एक्स एंटी फॉरकास्ट। तीसरी इंपॉर्टेंट टाइप होती है इसकी कंडीशनल एंड अनकंडीशनल फॉरकास्ट। तो हमारे पास तीन मेन टाइप्स बन गई, पॉइंट एंड इंटरवल फॉरकास्ट, एक्स पोस्ट एंड एक्स एंटी फॉरकास्ट, एंड थर्ड वन इज कंडीशनल एंड अनकंडीशनल फॉरकास्ट। अब हम इसको बारी बारी देखेंगे कि इटसेल्फ पॉइंट और इंटरवल फॉरकास्ट क्या है, फिर एक्स पोस्ट, एक्स एंटी एंड देन कंडीशनल एंड अनकंडीशनल फॉरकास्ट। तो पॉइंट फॉरकास्ट और इंटरवल फॉरकास्ट, पॉइंट फॉरकास्ट हमें करता क्या है कि फ्यूचर की कोई सिंगल वैल्यू फॉरकास्ट करके देता है, सिंगल वैल्यू। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये एक सीरीज मौजूद है, तो अगर हम इसको पॉइंट फॉरकास्ट के थ्रू फॉरकास्ट करेंगे तो देखें ये फ्यूचर की, जैसे ये अगर ईयरली डेटा है, यहाँ पर टाइम है, तो हर साल की कोई एक एक वैल्यू फॉरकास्ट करके दे रहा है। अब पॉइंट फॉरकास्ट का मसला क्या होता है, या तो ये सही होगा या ये सही नहीं होगा। भाई ये वैल्यू आई तो इसका मतलब फॉरकास्ट सही हुआ है, और ये वैल्यू नहीं आई तो इसका मतलब फॉरकास्ट सही नहीं हुआ। तो पॉइंट फॉरकास्ट हमें क्या दे रहा है कि फ्यूचर में टाइम पीरियड की कोई एक वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है, ऑब्टेन्ड सिंगल वैल्यू थ्रू पॉइंट फॉरकास्ट। जबकि इंटरवल फॉरकास्ट में और पॉइंट फॉरकास्ट से प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पर या तो ये वैल्यू सही होगी या ये वैल्यू सही नहीं होगी, आप कह सकेंगे फॉरकास्टिंग सही है या फॉरकास्टिंग सही नहीं है। दूसरी तरफ इंटरवल फॉरकास्ट क्या करता है, इट गिव्स रेंज विद मार्जिन ऑफ अनसर्टेनिटी। फॉर एग्जाम्पल, ये इंटरवल फॉरकास्ट में ने भी कुछ, लेट सपोज ऐसी ही कुछ चीज़ें फॉरकास्ट की हैं, यही कुछ आसपास की वैल्यूज फॉरकास्ट की हैं, लेकिन इंटरवल फॉरकास्ट साथ साथ कुछ रेंज प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर वैल्यू मेन फॉरकास्ट है तो उसके साथ साथ ये इस तरह की एक रेंज देगा और कहेगा लेट सपोज 30% चांसेस हैं कि वैल्यू इस रेंज में रहेगी। अच्छा, मजीद अगर आपने इसकी पूरी टेक्निक होती है, ये जैसे रेंज फॉरकास्ट की एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक होती है फैन चार्ट फॉरकास्ट, फैन चार्ट से रिलेटेड कुछ पेपर्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे, वहाँ आप देख लीजिएगा। तो होता क्या है कि फॉर एग्जांपल 30%, ये एक रेंज इसने एक्सप्लेन कर डिफाइन कर दी कि अगर इस रेंज में 60% चांसेस हैं कि कन्फर्म इस रेंज में रहेगा, 60% चांसेस, क्योंकि अनसर्टेनिटी की रेंज भी दे दी उसने कि इसमें वेरी कर सकता है। और फॉर एग्जाम्पल उसने कहा ये एक रेंज दे दी, यानी असल में फॉरकास्ट तो ये है, लेकिन अगर इस रेंज में देखेंगे तो लेट सपोज 90% चांस है कि वो इस रेंज में रहेगा।
तो पॉइंट फॉरकास्ट क्या कह रहा है कि एक सिंगल वैल्यू असाइन करके आपको दे रहा है, प्रिडिक्ट करके दे रहा है, या तो वो फॉरकास्ट सही होगा या वो फॉरकास्ट सही नहीं होगा। जबकि इंटरवल फॉरकास्ट क्या करता है, इंटरवल फॉरकास्ट फॉरकास्टिंग वैल्यूज के साथ साथ कुछ अनसर्टेनिटी रेंज के साथ वैल्यूज को प्रोवाइड करता है। जैसे इसने कहा कि ये फॉरकास्टिंग है मेन, जो ब्लू लाइन है बीच में, और जो ग्रीन रेंज नजर आ रही है कि 30% चांस है कि वैल्यू इसी में रहे, लेट्स सपोज 60% चांस है कि वैल्यू इसी रेंज में रहेगी, इससे ऊपर नीचे नहीं जाएगी, और लेट्स सपोज यहाँ पर अगर 90% चांस है वैल्यू इसी रेंज में रहे, यानी अगर आपका 90% चांस कन्फर्म है कि इसी रेंज में वैल्यू नजर आएगी, तो ये एक बेनिफिट होता है इंटरवल फॉरकास्ट का, जिसमें आपको रेंज फॉरकास्ट भी मिल जाती है विद अनसर्टेनिटी। तो ये तो हमारे पास था पॉइंट एंड इंटरवल फॉरकास्ट। अब हम देखने जा रहे हैं एक्स पोस्ट एंड एक्स एंटी फॉरकास्ट। अच्छा, अब एक्स पोस्ट एंड एक्स एंटी फॉरकास्ट देखिए। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज हम रेग्रेशन इस्तेमाल कर रहे हैं फॉरकास्टिंग के लिए, और रेग्रेशन में जो हम टाइम पीरियड इस्तेमाल कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1980 से 2020 तक। ये हमारे पास पूरा सैंपल है। अगर मैं उस सैंपल को यूं बना दूं, ये 1980 और ये 2020। अच्छा, अब एक्सपोस्ट फॉरकास्ट में होता क्या है कि जो भी आपका टोटल सैंपल होता है, आपने एक तो रेग्रेशन रन करके भी पूरा सैंपल एस्टिमेट कर लें, और जो भी हम प्रॉपर्टीज हम देख चुके हैं रेग्रेशन से रिलेटेड सारी बातें वो आप यहाँ पर इंटरप्रेट कर सकते हैं। हमारा इस वक्त इंटरेस्ट है फॉरकास्टिंग। तो अगर हम इस मॉडल को एस्टिमेट करें और इससे फॉरकास्ट करने की कोशिश करें, तो सबसे पहले हमें ये बात भी जानना होगी कि क्या ये मॉडल फॉरकास्टिंग के लिए बेहतर भी है या नहीं है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए इस पूरे सैंपल में से एक सब सैंपल निकाल लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा 1980 से 2012, जो भी रेग्रेशन के वेरिएबल्स हैं वो वही रहेंगे, बस आपने जो मॉडल रन करना है वो मॉडल रन सब पे नहीं करना, वो मॉडल रन आपने 2020 तक डेटा पे नहीं करना, वो आपने कर दिया 1980 से 2012 तक। जैसे ही आपने कहा कि 1980 से 2012 तक का डेटा लेकर आपने एनालाइज किया, तो इसके बाद का डेटा तो आपके पास अवेलेबल है डिपेंडेंट वेरिएबल का, क्योंकि आपके पास पूरा सैंपल ही मौजूद था, लेकिन आपने इस वक्त जो रेग्रेशन रन किया है वो 20 तक नहीं किया, वो 12 तक किया। अब फिर क्या हुआ कि आप इस मॉडल के थ्रू, यानी 1980 से 2012 तक जो भी आपने मॉडल एस्टिमेट किया उसके थ्रू आप 13 से 20 तक की वैल्यू क्या करेंगे, फॉरकास्ट करेंगे। आई रिपीट, आपके पास पूरा सैंपल मौजूद है लेकिन आपने रन किया 2012 तक, और रिमेनिंग पीरियड को इस मॉडल की बेस पर क्या किया, फॉरकास्ट किया। इससे फायदा क्या होगा कि जब आप इस मॉडल के थ्रू रिमेनिंग वैल्यूज को फॉरकास्ट करेंगे, जबकि जो रिमेनिंग पीरियड है उनकी एक्चुअल वैल्यू भी मौजूद है, तो हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि आपकी जो फॉरकास्टेड वैल्यू आई है इस मॉडल के थ्रू उसमें और एक्चुअल में ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। पर इसके मेजर्स हैं, वो जब हम रेग्रेशन के थ्रू फॉरकास्टिंग पढ़ेंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि कौन कौन से मेजर्स हैं कि जिससे हमें ये पता लगता है कि फॉरकास्ट परफॉर्मेंस कैसी है। तो याद रखिएगा, ऐसी फॉरकास्ट जो पूरे सैंपल में से एक सब सैंपल निकालता है उसकी बेस पर रिमेनिंग सैंपल तक जो वैल्यूज हैं उसको फॉरकास्ट करता है, ये जो फॉरकास्टिंग है याद रखिएगा ये कहलाती है एक्स पोस्ट फॉरकास्ट। इसी को, क्योंकि ये सैंपल के अंदर एस्टीमेट करके उसकी सैंपल के अंदर की वैल्यूज ही फॉरकास्ट कर रहा है, तो इसीलिए ये कहलाता है एक्सपोज फॉरकास्ट और इन सैंपल फॉरकास्ट। एक्सपोज्ड एंड इन सैंपल फॉरकास्ट, क्योंकि ये पूरे सैंपल के अंदर रहकर ही फॉरकास्ट कर रहा है, तो हमने उसको दो नाम दिए हैं, एक्सपोज्ड फॉरकास्ट और इन सैंपल फॉरकास्ट। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक आपने वैल्यू एस्टीमेट कर ली, जो भी आपने फॉर एग्जांपल ये एस्टीमेट किया, और फॉरकास्ट से आपको जो मेजर्स हैं फॉरकास्ट परफॉर्मेंस के उससे आपको पता लगा कि मॉडल आपका बेहतर है फॉरकास्ट के लिए, अच्छा है, आप इससे फ्यूचर वैल्यू आसानी से फॉरकास्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं पूरे सैंपल के बाद कुछ वैल्यूज फॉरकास्ट करने की कोशिश करूँगा, फॉर एग्जाम्पल अप टू 2030, अब ये जो फॉरकास्ट है
इसका अब हमारे सैंपल से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी ये जो फॉरकास्ट है, ये जिन पीरियड का फॉरकास्ट है, इसका डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं था, यानी ये हो गया हमारे सैंपल से बाहर की वैल्यू, बियॉन्ड दी सैंपल साइज। तो याद रखिएगा, इस तरह की फॉरकास्ट जो आपके सैंपल से बाहर बियॉन्ड वैल्यूज को फॉरकास्ट कर रहा है, बियॉन्ड ऑफ योर सैंपल साइज मैक्सिमम, यानी जो भी आपका मैक्सिमम एयर था कि यहाँ तक आपका डेटा है, आपने इसकी बाद की वैल्यू फॉरकास्ट करनी है, तो इस तरह की जो फॉरकास्ट होती है ये कहलाती है के पास एक्स एंटी फॉरकास्ट। एक्स एंटी फॉरकास्ट, और क्योंकि ये बियॉन्ड द सैंपल पीरियड है तो इसीलिए कहलाता है आउट ऑफ सैंपल फॉरकास्ट। एक्स एंटी फॉरकास्ट एंड आउट ऑफ सैंपल फॉरकास्ट। क्यों आउट ऑफ सैंपल फॉरकास्ट है? क्योंकि ये आपकी गिवन सैंपल से बाहर की वैल्यू है। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखें कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आउट ऑफ सैंपल फॉरकास्ट वही पीरियड हो जिनका डेटा अवेलेबल ही ना हो। जैसे हमने कहा कि 20 से 30 की तरह, फॉर एग्जांपल आपका सैंपल ही होता 1980 से 2000 तक का, लेट्स सपोज किसी भी वजह से आपने ये सैंपल लिया, टोटल सैंपल ही यही है, और अगर आपने 95 तक रखकर आगे फॉरकास्ट किया रिमेनिंग 5 ईयर, तो ये कहलाएगा एक्सपोज फॉरकास्ट, और इसके बाद को जो फॉरकास्ट करेंगे वो कहलाएगा एक्स एंटी फॉरकास्ट और आउट ऑफ सैंपल फॉरकास्ट। तो आउट ऑफ सैंपल फॉरकास्ट के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपका आउट ऑफ सैंपल वो पीरियड हो जिनका डेटा अवेलेबल ना हो, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये गिवन सैंपल के हिसाब से फॉरकास्ट की बात कर रहे हैं, तो जैसा गिवन सैंपल होगा उसके अकॉर्डिंग आप बात करेंगे ये इन सैंपल फॉरकास्ट है या एक्सपोज फॉरकास्ट है, ये आउट ऑफ सैंपल फॉरकास्ट है या एक्स एंटी फॉरकास्ट है। तो ये तो था हमारे पास दूसरी टाइप, पॉइंट फॉरकास्ट, इंटरवल फॉरकास्ट। दूसरा है हमारे पास एक्स पोस्ट एंड एक्स एंटी फॉरकास्ट। अब हम तीसरी चीज करने जा रहे हैं, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल फॉरकास्ट। अब हम देखेंगे कंडीशनल एंड अनकंडीशनल फॉरकास्ट। अब देखें जरा, फॉर एग्जांपल ये आपके पास सैंपल पीरियड है 1980 to 2020 assumed। अच्छा, अब यकीनन कोई ना कोई रिग्रेशन मॉडल होगा जिसके थ्रू आप फॉरकास्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। हम एज्यूम कर लेते हैं y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, ये आपके पास वो रिग्रेशन मॉडल है। अब अगर गिवन कंडीशन देखें और आपने 2020 तक का डेटा ले लिया, अब y और x कोई भी वेरिएबल है, इसका मैक्सिमम डेटा 2020 तक अवेलेबल है, लेट्स सपोज इससे ज्यादा का इसका डेटा अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप इस डिपेंडेंट वेरिएबल को फॉरकास्ट करें बियॉन्ड द सैंपल पीरियड, आप इस डिपेंडेंट वेरिएबल को फॉरकास्ट करें बियॉन्ड द सैंपल पीरियड, तो याद रखिएगा ये फॉरकास्ट किसकी हेल्प से हो रहा है? वेरिएबल एक्स के। यहाँ वेरिएबल एक्स का भी डेटा अवेलेबल नहीं है, तो ये किसी भी इसी सूरत में वाई फॉरकास्ट कर सकेंगे जब आगे आने वाले पीरियड के लिए एक्स गिवन होगा। अगर एक्स गिवन नहीं होगा तो आप वाई कैसे, आप इस मॉडल के थ्रू वाई फॉरकास्ट नहीं कर सकते। अच्छा, अब गौर से एक बात देखेंगे, इससे बात की तो कोई वैल्यू है ही नहीं क्योंकि पीरियड ही नहीं शुरू हुआ, टाइम पीरियड ही नहीं है, जब टाइम आएगा उसके बाद एक्स की वैल्यूज आनी शुरू होंगी। तो हम क्या काम करेंगे या रिसर्चर क्या काम करता है कि कुछ फॉरकास्टेड वैल्यूज, कुछ एस्टीमेटेड वैल्यूज, फॉर एग्जांपल 2030 का प्लान हमारे पास है और हमने वहां पर एक्सपेक्टेड एक्स की वैल्यू रखी हुई है, इसका मतलब वो रियल वैल्यूज नहीं है, वो एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं, उन एक्सपेक्टेड वैल्यूज को इस्तेमाल किया एक्स की, उन एक्सपेक्टेड वैल्यूज को इस्तेमाल किया इन पीरियड के लिए 2030 तक के लिए, और इन ये एक्सपेक्टेड वैल्यू जब एक्स की आ गई तो एक्स के थ्रू हमने वाई भी क्या कर दिया, फॉरकास्ट कर दिया, जो वाई है वो हमने क्या कर दिया, फॉरकास्ट कर दिया। अब एक बात जरा गौर से देखें, जब हमने वाई को फॉरकास्ट किया तो वाई को फॉरकास्ट करने के लिए किसकी जरूरत थी, वेरिएबल एक्स की। जब वेरिएबल एक्स की जरूरत थी और वेरिएबल एक्स का भी डेटा अवेलेबल नहीं था, तो हमने क्या काम किया है, डेटा एज्यूम किया है। डेटा क्या किया है, एज्यूम किया है कि इन ईयर्स में एक्स की वैल्यू ये होगी, तो अगर एक्स की वैल्यू ये होगी तो वाई की वैल्यू ये होनी चाहिए। इसका मतलब वाई की ये फॉरकास्टिंग डिपेंड कर रही है अगर एक्स की वही वैल्यूज रहती हैं जो हमने एज्यूम की हैं। तो इस तरह की फॉरकास्टिंग जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू सर्टेन नहीं होती, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू सर्टेन नहीं होती, एज्यूम्ड होती है, तो ये फॉरकास्टिंग कहलाती है कंडीशनल फॉरकास्ट। कंडीशनल
कंडीशनल. क्यों कंडीशनल फॉरकास्ट? क्योंकि ये वाई उसी वक्त सही फॉरकास्ट होगा जब आपने एक्स को सही एक्सटेंड किया होगा और एक्सपेक्टेड वैल्यूज एक्स की सही प्लेस की होंगी. तो इसलिए हम कहते हैं कि इस तरह की फॉरकास्ट कंडीशनल फॉरकास्ट है. ये वाई की फॉरकास्ट उस वक्त सही है जब एक्स की यही वैल्यूज आए. तो आपने उसको कह दिया दिस इज कंडीशनल फॉरकास्ट. लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने सैंपल को यहीं पर रोक दें 2010 तक एज्यूम्ड और रिमेनिंग आप वाई को फॉरकास्ट करने की कोशिश करें. अब इस वाई को फॉरकास्ट करने के लिए एक्स एज्यूम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये तो आपको पहले से सैंपल मौजूद है. इसका मतलब है इस पीरियड में एक्स कैसा है? गिवन है, गिवन एक्स. अब ये वहां पर आप अपनी मर्जी से एक्स एज्यूम नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि इसका एक्चुअल डेटा मौजूद है. जब एक्चुअल डेटा मौजूद है तो कोई एक्सपेक्टेशन काम नहीं आएगी. आपने एज इट इज जो डेटा आपके पास अवेलेबल है आपने उसी एक्स को इस्तेमाल करना है और फिर वाई को फॉरकास्ट करना है. इसका मतलब ये कोई एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं है, ये कोई एज्यूम वैल्यू नहीं है. जब एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं है, गिवन वैल्यू है. जो वैल्यू चेंज नहीं होनी वो गिवन है. तो इसका मतलब आपने कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की. इस वक्त जो फोरकास्ट आएगा वो सही आना चाहिए क्योंकि एक्स उसके लिए कंडीशन एज्यूम नहीं है, गिवन है. तो याद रखिएगा इस तरह का फोरकास्ट जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू गिवन हो, एज्यूम ना हो, कहलाता है अनकंडीशनल फोरकास्ट. अनकंडीशनल फोरकास्ट. तो हम इसको कंक्लूड करते हैं. हमारे पास हमने देखा कि फॉरकास्टिंग क्या है, करंट और पास्ट वैल्यूज की हेल्प से फ्यूचर वैल्यू फ्यूचर की कोई क्वांटिटेटिव वैल्यूज को एस्टिमेट करना, ये फॉरकास्टिंग है और यही टाइम सीरीज मॉडल का मेन ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव है. फिर हमने कहा हमारे पास तीन तरह की टाइप्स होती हैं फॉरकास्टिंग की. नंबर पॉइंट एंड इंटरवल फॉरकास्ट. पॉइंट फॉरकास्ट फ्यूचर की एक पर्टिकुलर टाइम पर कोई वैल्यू फॉरकास्ट करता है, जबकि इंटरवल फॉरकास्ट में क्या होता है कि उन वैल्यूज के साथ साथ उसकी अनसर्टेनिटी की रेंज भी डिफाइन होती है कि कितने परसेंट चांस है कि इस रेंज में लाई करेगा. ये कहलाती है इंटरवल फॉरकास्ट. तो हमने देखा कि इंटरवल फॉरकास्ट के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनमें से एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है फैन चार्ट. फैन चार्ट के रिलेटेड जो पेपर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे. दूसरी चीज हमने पढ़ी एक्स पोस्ट और एक्स एंटी फॉरकास्ट. एक्स पोस्ट फॉरकास्ट में क्या है कि हमने अपने पूरे सैंपल का एक सब सैंपल निकाला, उस सैंपल के थ्रू हमने रिमेनिंग पार्ट को फॉरकास्ट किया जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू हमारे पास गिवन थी. तो गिवन सैंपल में एक सैंपल को एक्स यूज करके उसी सैंपल की कुछ वैल्यूज को फॉरकास्ट करना, ये कहलाता है एक्स पोस्ट फॉरकास्ट. और इसी को हम कहते हैं इन सैंपल फॉरकास्ट क्योंकि गिवन सैंपल में से कुछ पार्ट को यूज करके उसके कुछ पार्ट को फॉरकास्ट किया. लेकिन अगर बियॉन्ड दी सैंपल साइज चले जाएं उस वक्त अगर आप फॉरकास्ट करें तो वो आपके पास कहलाती है एक्स एंटी और आउट ऑफ सैंपल फॉरकास्ट. तीसरी कंडीशन क्या है? कंडीशनल और अनकंडीशनल फॉरकास्ट. कंडीशनल फॉरकास्ट क्या है कि अगर आप वाई की वैल्यू यानी डिपेंडेंट वेरिएबल को ऐसे फॉरकास्ट कर रहे हैं जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन नहीं है, एज्यूम्ड है. तो जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एज्यूम करके डिपेंडेंट को फॉरकास्ट करेंगे तो वो कहलाएगा कंडीशनल फॉरकास्ट. इसको कंडीशनल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये वाई उसी वक्त आएगा जब एक्स ये होगा, इसलिए इसको कंडीशनल कह रहे हैं. जबकि अनकंडीशनल फॉरकास्ट क्या है कि जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू एज्यूम नहीं करते हैं, उनकी वैल्यू गिवन होती है, सर्टेन होती है, अनसर्टेन नहीं होती, कोई एडिशनल अनसर्टेन नहीं होती. तो ऐसी सूरत में जो आप फॉरकास्ट करेंगे वो कहलाएंगे अनकंडीशनल फॉरकास्ट. अच्छा, ये कंफ्यूजन आपके जहन में आ सकती है कि ये तो बिल्कुल वैसी बात है कंडीशनल और अनकंडीशनल जो कि हमने किसमें की है, एक्स पोस्ट और एक्स एंटी फॉरकास्ट में. याद रखिएगा इसमें ये कॉन्सेप्ट एक दूसरे के अपोजिट नहीं है. ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एक्स पोस्ट है तो कंडीशनल नहीं हो सकता. ये जहन में रखिएगा, ये एक दूसरे को ओवरलैप भी कर सकते हैं. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सैंपल ही लिया 1980 से 2000 तक का, टोटल सैंपल ही आपका ही है, ठीक. और आप बियॉन्ड दी सैंपल फॉरकास्ट करना चाह रहे हैं यानी एक्स एंटी फॉरकास्ट करना चाह रहे हैं. तो एक्स ये एक्स एंटी जो फॉरकास्ट आप करना चाह रहे हैं इसमें जो इंडिपेंडेंट की वेरिएबल की वैल्यूज होंगी वो ऐसी बात है गिवन होंगी, 20 साल का डेटा तो वैसे ही गिवन होगा. तो वो क्या होगा? वो एक्स एंटी फॉरकास्ट भी होगा और अनकंडीशनल फॉरकास्ट भी होगा, ठीक है. एक्स एंटी फॉरकास्ट क्योंकि आउट ऑफ सैंपल है और क्योंकि आउट ऑफ सैंपल भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन है तो अनकंडीशनल फॉरकास्ट. इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल आपका सैंपल हुआ 1980 से 2020 तक,
अब आपने बियॉन्ड फोरकास्ट करने की कोशिश की, तो इस वक्त जो आप फोरकास्ट करेंगे, इस वक्त जो 2021 और आगे की वैल्यूज हैं, इस वक्त इंडिपेंडेंट की वैल्यूज गिवन नहीं है, तो इस तरह की एक्स एंटी फोरकास्ट में आपको इंडिपेंडेंट वैल्यूज एज्यूम करनी पड़ेंगी। जब इंडिपेंडेंट की वैल्यूज एज्यूम करनी पड़ेंगी तो इसका मतलब ये आउट ऑफ सैंपल फोरकास्ट होने के साथ साथ कंडीशनल फोरकास्ट है। तो ये एक दूसरे की ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट भी है। ऐसा ओवरलैपिंग मींस के एक ही वक्त में एक्सपोस्ट कंडीशनल भी हो सकता है और अनकंडीशनल भी हो सकता है। इसी तरह एक्स एंटी भी कंडीशनल भी हो सकता है और अनकंडीशनल भी हो सकता है। तो ये मतलब स्टूडेंट क्या कहते हैं, मिक्स कर जाते हैं इस कंडीशनल अनकंडीशनल और एक्सपोस्ट और एक्स एंटी फॉरकास्ट को। इसमें मिक्स नहीं करना। कंडीशनल और अनकंडीशनल किस बात पर डिपेंड करता है कि इंडिपेंडेंट की वैल्यू गिवन है या नहीं है। अगर गिवन है तो अनकंडीशनल और गिवन नहीं है तो कंडीशनल। इसका सैंपल से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई साइज से। इसी तरह एक्सपोस्ट और एक्स एंटी क्या है, जो सैंपल कंसिडर किया है अगर उसके अंदर ही सब सैंपल के थ्रू कुछ फोरकास्ट कर रहे हैं तो एक्सपोस्ट और इन सैंपल फोरकास्ट, और बियॉन्ड दी सैंपल अगर कोई फोरकास्ट कर रहे हैं तो वो कहलाएगा आपके पास एक्स एंटी और आउट ऑफ सैंपल फोरकास्ट। तो आई होप ये फोरकास्टिंग के कुछ कौन जो टाइप्स हैं वो आपको क्लियर हुए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।